कमिश्नरेट पुलिस ने लुधियाना एंटी नारकोटिक सेल के इंचार्ज के गनमैन सहित दो मुलाजमों को हेरोइन तस्करी व अवैध वसूली में गिरफ्तार किया है। उनका एक अन्य साथी भी पकड़ा गया है, जबकि दो और साथी भागने में सफल हो गए। ये लोग दिल्ली से हेरोइन लाकर तस्करी करते थे तथा शहर में सीए स्टाफ बनकर मेडिकल स्टोर और गैस सिलेंडर भरने वालों से अवैध वसूली करते थे। इन दोनों की पहचान कांस्टेबल गुरविंदर सिंह और रणजीत सिंह के अलावा उनके एक अन्य साथी गांव बिलगा के दलविंदर सिंह के रूप में हुई है, जबकि उनके फरार साथियों की पहचान लखवीर सिंह उल्लखा और गुरबचन सिंह उर्फ लाल के रूप में हुई है। दो साढ़े कांस्टेबल सीगे ते तीन जेड़े कोई क्रिमिनल आदमी सीगे जेड़े दिल्ली तो नशा लिया के वो नशा वेचन दा ते पीन दा धंधा करदे सीगे। इहदे विच साडा कांस्टेबल रणजीत सिंह ते कांस्टेबल गुरविंदर सिंह जेड़े ए उन्हां दी सपोर्ट भी करदे सीगे ते प्लस उन्हां नूं दे नाल जाके दिल्ली तो ए नशा वगैरह लैके आंदे सीगे। तो इनफॉर्मेशन दे उत्ते असीं जेड़ा तीन व्यक्तियों दो कांस्टेबल ते एक अपना दलविंदर सिंह उर्फ लाली नूं असीं गिरफ्तार कर लिया हैगा। इन्हां ने दस्सिया कि असीं जिहड़ा मैडिकल स्टोरां ते जाके जां जिथे कोई गैस एजेंसी सीगे उन्हां नूं इह गलत तरीके नाल उन्हां ते दबाव पा के पैसे बटोरदे सीगे। उन्हां नूं इह कहिंदे सी वी असीं क्राइम ब्रांच लुधियाणा विखे लगे हाँ ते सानूं जिहड़ा तुसीं पैसे दिओ अदरवाइज़ असीं तुहानूं फड़ांगे। और इन्हां दो मैडिकल स्टोरां तों ते होर कई जगह तों पैसे भी लै हैगे आ। जागती लहर के लिए लुधियाना से बलराज खन्ना की रिपोर्ट।